इट वुड रियली हेल्प यू. यस टीचर्स, आई वॉन्ट टू शो यू हाउ यूज ऑन मेक यूज ऑफ योर गूगल ड्राइव एंड शेयर द थिंग्स विद अदर पीपल, अदर टीचर्स और स्टूडेंट्स. ओके, सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द जी मेल अकाउंट. ओके, यू ऑल ऑफ यू आईडीज, जी मेल आईडीज. What you do is, when you go to your Gmail account, that is your email account, so it appears like this only, right? If you log in through your computers, you will see this kind of screen that is visible on my screen. Okay, so this is your that your account that you are logged into. Sign up hai aap is par. Aur ab aapko kya karna hai, ab aapko ek kuch Google Drive par jana hai. Sabse pehla we have hamara, we have to create a sheet or create another document which you can share with other person. Okay, so do you see this right this nine dots here side, right hand side? You see nine dots over here. I'll zoom it for you. See, when you scroll on these nine dots, it say Google Apps. Okay, you have to click on this. If you're doing it from your computer, through your computer or laptop, that is what I'm showing you right now. मैं करना है फोन में, करना है फोन का भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बता दूंगी. पहले मैं बता रही हूँ कि कंप्यूटर में आपको कैसे करना है. कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स में when you see this Gmail account screen, how you do this? Okay, you have to click on these nine dots and you see many options are there. Many apps are available for you to work on. You can go to Google Classroom through this option. One option here is Drive, and you see this icon. ये icon होता है Drive का. You click on this, it will take you to your account Drive. Okay. Now see, मैंने जब उस पर क्लिक किया तो Drive option पर मेरी ये Drive open हो गई. ये Drive एक space है जिसे आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स as many as सकते हैं, as many as you want. You can share those documents with other people. उसका लिंक आप शेयर कर सकते हैं. कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी. सपोज करिए आपको यहाँ पर, ये आपकी ड्राइव की स्पेस है पूरी, यहाँ पर आपको कुछ सेव करना है. यू वॉन्ट टू सेव एनी पिक्चर, एनी इमेज. हाउ डू यू डू दैट? यू सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज एन ऑप्शन फॉर न्यू. You have to click on this new option. Now you go to file upload. File upload option, you can see. File upload option में जाकर आपकी फाइल जहां पर भी होगी, जिस लोकेशन में होगी ऑन योर कंप्यूटर, यू कैन क्लिक ऑन दैट. सपोज आई वॉन्ट टू पुट दिस, सो आई क्लिक ऑन दिस देन ओपन एंड यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड बॉटम द फाइल इज has started to upload and it has completed also. जैसे ही वो कंप्लीट होगी आपको वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगी. दिस इज द फाइल दैट आई अपलोडेड. ओके, सो दिस इन दिस वे यू कैन अपलोड एनी ऑफ द फाइल्स. यू जस्ट हैव टू गो टू न्यू ऑप्शन एंड फाइल अपलोड. नाउ व्हेन यू हैव अपलोडेड दिस फाइल, सपोज हमें किसी बच्चे से कोई कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ पर अपने सिस्टम पे उसे स्टोर कर लेंगे और फिर यहाँ पर गूगल ड्राइव में उसको पेस्ट कर देंगे. देन वी कैन शेयर इट विद अदर टीचर्स और एनीवन वांट. ओके, यहाँ पर जैसे आपकी इमेज आ गई है, दिस इज अ फाइल यू हैव अपलोडेड. नाउ यू वांट टू शेयर इट विद समवन, हाउ विल यू डू दैट? यू हैव, देयर आर वेरियस ऑप्शंस. सी, इधर यू कैन राइट क्लिक ऑन दिस, राइट क्लिक ऑन द पिक्चर दैट आई वांट टू शेयर. इधर यू कैन गेट द लिंक. सी, दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल. इधर यू कैन क्लिक ऑन दिस गेट लिंक ऑप्शन. आई विल क्लिक ऑन दिस. Now you see यहाँ पर लिखा है कि it is restricted. Restricted means यहाँ पे कुछ options आते हैं कि आप किस भी अपना document या photo share कर रहे हैं वो उसको view कर सकता है या उसको edit भी कर सकता है. ठीक है, these are the restrictions जो आप हटा सकते हैं यहाँ पर. Okay, यहाँ पर जैसे ही आपको link दिख रहा है, you can copy this link, but before doing that you have to, if you want कि ये restricted रहे, कोई इसको छेड़ ना पाए, तो आप restricted रखेंगे. ठीक है, एंड एनी वन विद द लिंक कर देंगे, तो जिसके पास भी ये इमेज या डॉक्यूमेंट पहुंचेगा उसमें फिर आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे कमेंटर.
ऑप्शंस आर देयर, व्यूअर, कमेंटर एंड एडिटर। अगर आप व्यूअर ऑप्शन यहाँ से चूज करेंगे तो जिसके साथ भी आप डॉक्यूमेंट को शेयर कर रहे हैं वो सिर्फ उसको व्यू कर पाएगा, उसमें कुछ एडिटिंग नहीं कर पाएगा। ही विल नॉट गेट एनी ऑफ द एडिटिंग राइट्स। ओके, अगर आप उसे एडिटर बना दें, एडिटर पे क्लिक करके, तो वो एडिट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, कमेंटर हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, दीज आर जस्ट फॉर कमेंटिंग। व्यूअर एंड एडिटर जो दो ऑप्शन है वो हम बेसिकली यूज करते हैं। आफ्टर डूइंग दिस, सपोज आई एम गिविंग एडिटिंग राइट्स सो दैट टीचर्स और स्टूडेंट्स कैन एंटर समथिंग आई वॉन्ट them to add in this. Okay, now I can share this document with people with email IDs. ठीक है, through email IDs. अगर मुझे किसी के साथ यहाँ पर share करना है तो मैं यहाँ पर उसका नाम लिख दूंगी या फिर कोई email ID लिख दूंगी, जिससे वो अपने आप यहाँ पर आपको email ID show कर देगा. Then you click on the email और फिर आप done पे click करेंगे, copy link and done. All right. So this way you can share with other people. Any document you can share. जैसे ये Excel का document है, राइट क्लिक करेंगे गेट लिंक, और दूसरा ऑप्शन क्या है, राइट क्लिक करके शेयर पे क्लिक कर देंगे. ओके, शेयर पे करोगे तो भी यही ऑप्शंस आएंगे इसी तरह के, राइट? यहाँ पर फिर आप ईमेल आईडी से उनका नाम लिखकर ऐड कर सकते हैं. ओके, ये कॉपी लिंक आ जाएगा. फिर यहाँ से आप ये चेंज का ऑप्शन देखोगे, ये चेंज कर लेंगे यहाँ से एडिटिंग राइट्स. ऑलराइट, फिर जो लिंक आएगा उसको आप जिसको भी भेजना है वहां पर इस तरह से कॉपी कर देंगे, तो ये लिंक इस तरह से उनको अपियर हो जाएगा, जैसे कि गूगल डॉक्यूमेंट्स का आपका शेयरिंग लिंक होता है. ऑलराइट, एक तो ये हो गया तरीका. दूसरी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ. न्यू, अगर आपको न्यू गूगल शीट यहाँ पर क्रिएट करनी है थ्रू योर कंप्यूटर और लैपटॉप, यू अगेन हैव टू गो टू न्यू ऑप्शन सिंस यू हैव टू डू अ न्यू एक्शन. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल डॉक्यूमेंट्स है जो आपके वर्ड ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेगा. यहाँ पे आप गूगल शीट्स का ऑप्शन है, ब्लैंक स्प्रेडशीट में जाके आप नई स्प्रेडशीट बना सकते हैं, गूगल स्लाइड बना सकते हैं, जैसे गूगल फॉर्म बनाते हैं बच्चों के लिए, जैसे क्विज वगैरह हम लोग बनाते हैं. देन आई कैन शो यू द गूगल शीट ऑप्शन, लेट मी ओपन ब्लैंक स्प्रेडशीट. इसको कैसे शेयर करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ. सपोज देयर इज अ ब्लैंक शीट आई हैव ओपनड, दिस इज अ गूगल शीट. Okay, whatever I want to write, I will do in this list of students. ठीक है, यहाँ पे आप लोग अपनी editing कर सकते हैं. यहाँ पे आपको sheets दिख रही होंगी, ये Excel की sheet है. यहाँ पे sheet को आपने rename करना है तो उस पर right click करेंगे, rename पर option पे जाएंगे, then you can write down the name of the sheet if you want. If you want कि यहाँ पे और sheets add हो जाए इसके साथ, तो ये plus का option है, add a sheet. मोर शीट्स विल बी एडेड, प्लस का साइन आप जितनी बार प्रेस करेंगे शीट एड होती जाएंगी यहाँ पर, और फिर आप राइट क्लिक करके उसको रीनेम कर देंगे, लिस्ट वन लिस्ट टू. ओके, अब एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ. लिस्ट, जैसे ये फर्स्ट लिस्ट है, ये फर्स्ट शीट थी मेरी, इसकी मुझे कॉपी चाहिए इन द एंड, इन द एंड. सो वॉट आई कैन डू इज आई कैन राइट क्लिक ऑन दिस, देन आई कैन डुप्लीकेट इट. डुप्लीकेट से करने से क्या होगा, एक सेम फॉर्मेट आपका एक और मिल जाएगा आपको एक और शीट में. देन यू कैन रीनेम इट, और इफ यू वांट टू मूव इट टू लेफ्ट राइट यू कैन मूव इट थ्रू दीज ऑप्शंस. जो भी करेंगे राइट क्लिक पे आपको मिल जाएगा यहाँ से. सेकेंडली, कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे कि हम अपनी शीट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कि मैंने किसी के साथ शेयर करी बट उसको पासवर्ड के थ्रू ही वो उसको खोल सकता है डॉक्यूमेंट को, सो या फिर उस शीट को पर्टिकुलर. तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन मिलेगा. प्रोटेक्ट शीट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और ये सब मिलेगा. फिर सेट परमिशंस पे जाएंगे, सेट परमिशंस में वो आपको बता देगा कि ओनली यू और एनी अदर पर्सन. तो यहाँ से आप इसको डन कर सकते हैं. ठीक है, दिस वे यू कैन प्रोटेक्ट द फाइल. देन यू कैन चेंज द कलर ऑफ द टैब्स ऑल्सो लाइक दिस. ओके, यहाँ पे ये देखो अंडरलाइन हो गया है, थोड़ा सा उसको डिफरेंट लुक देने के लिए. एंड व्हाट एल्स यू कैन डू, मूव राइट, मूव लेफ्ट, और यू वांट टू कॉपी टू अ न्यू स्प्रेडशीट, तो ये न्यू स्प्रेडशीट में कॉपी हो जाएगी. अब आते हैं, बात आती है यहाँ पर इसको शेयर करने की, तो
तो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है राइट हैंड साइड पर, देखेंगे ग्रीन बटन, ये यू विल क्लिक ऑन शेयर ऑप्शन। और सपोज टीचर्स, अब मैं आपको क्विकली ये भी बता देती हूँ कि अपना एक न्यू फोल्डर आप कैसे बनाते हैं। सिमिलर ऑप्शन पे जाना है, न्यू ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको मिलेगा फोल्डर ऑप्शन। ऑलराइट, यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करना है आपको, आपसे फोल्डर का नाम पूछेगा, तो मैं इसका नाम 9th रख देती हूँ, क्रिएट। आप देख सकते हो यहाँ फोल्डर ऑप्शन में आपका ये 9th नाम से बन गया। तो इसको आप जब ओपन करोगे तो इसमें भी आप बहुत चीजें ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो ये फाइल इसमें उठा के ड्रैग करके इसके अंदर डाल सकते हैं, ये वाली फाइल है, इसको आप चाहे तो मूव टू करके कर सकते हो। मूव टू ऑप्शन पे जाएंगे, मूव टू, और यहाँ पर माय ड्राइव और 9th, और मूव कर दीजिए। चेक करेंगे तो ये देखिए ये फाइल इसी फोल्डर में आ चुकी है। सो दिस वे यू कैन एड अ न्यू फोल्डर्स इन योर, और फिर ये फोल्डर आपको शेयर करना है तो सेम ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके भी आप शेयर कर सकते हो, गेट लिंक एंड शेयर। और उसके बाद आप इसमें और क्या कर सकते हैं, यू कैन रीनेम इट, यू कैन चेंज कलर, डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको अपने सिस्टम पे दोबारा से, और शॉर्टकट भी डाल सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू। एक वीडियो और मैं बनाऊंगी जो फोन के थ्रू होगा, मतलब फोन में आप कैसे, क्योंकि मोस्टली सबके पास कंप्यूटर एक्सेस नहीं अवेलेबल हो पाता है, तो फोन में किस तरह से हम ड्राइव पे जाके चीजें बनाकर शेयर कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड प्लीज वेट, अभी फोन कर दूंगी, यू कैन वॉच कर दूंगी, यू कैन वॉच दैट।